लैन विद चांडियो में मैं हूं अब्दुल हमीद। दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के आने वाले मजीद वीडियोज आप तक मेरी पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगा सैंपल पेपर, सैंपल पेपर लम्स यूनिवर्सिटी जो ठट्टा के कैंपस है उनके लिए। पर ये ऑलमोस्ट सब जो लम्स की जो भी मतलब टेस्ट होती है इन सब में यही जो पैटर्न होता है यही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए वोकेबलरी ज़रूरी होती है, ठीक है। इस तरह के वोकेबलरी जिस तरह से ये कह रहा है डायरेक्शन फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड, जो इस तरह का ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। फोर आंसर दिए गए हैं आपको, जो भी इनका वोकेबलरी लगे आप वो उसकी सिलेक्ट कर लें। जिस तरह से पहला मुझे कह रहा है द प्रिंस एब्डिकेट द क्राउन एंड रिटर्न टू हिज कैसल, तो इस तरह से आपको जो भी इसका जो आंसर सही लगे आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह के आपके वोकेबलरी के ये एमसीक्यू हैं तकरीबन 5। उसके बाद इसके आ जाने हैं आपको ईच सेंटेंस हो वर्ड्स या फ्रेज अंडरलाइन द 4 अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मार्क्ड, यू आइडेंटिफाई द 1 अंडरलाइन नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड मार्क योर आंसर, ठीक। इस तरह के ये आ जाने हैं आपको वो सिलेक्ट करने, ये भी 5 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 एमसीक्यूज आपके पास आ जाते हैं इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। इस तरह से आपको ये क्लियरली आपको ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेना है, ठीक है। उस तरह आपको ये सारे एमसीक्यूज यहाँ से इसके निकालने हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन। इसके बाद राइटिंग एबिलिटी इस तरह की होती है। उसके बाद जो होता है तकरीबन इनके एमसीक्यूज होते हैं 20 इंग्लिश के होते हैं, 20 बायोलॉजी के होते हैं, 20 आपकी होती है इनमें जीके, और बाकी कुल मिला के कुछ एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर के, आईटी के, और ये सारे एमसीक्यूज। इस तरह से आपको तैयारी कर देनी है, ठीक है। अगर किसी को भी सैंपल पेपर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। मैं आपको इस तरह की सारी जो मेरे पास और भी ज़्यादा इनकी सिलेबस पड़े हैं वो मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है।